कभी आपने सोचा है कि कुछ छोटे छोटे कीड़े भी कभी कभी हमारे लिए करामत साबित होते हैं? नहीं ना? तो आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे छोटे कीड़े के बारे में जिसका काटना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ऐसे छोटे से कीड़े के बारे में जिसका नाम चुंटी है। चुंटी के काटने पर इसे मारे नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करें, क्योंकि कुरान पाक में चुंटी का जिक्र मौजूद है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक पूरी सूरत सूरत नमल का नाम चुंटी के नाम पर रखा गया है। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों के साथ बारिश की दुआ करने के लिए शहर से बाहर निकले कि रस्ते में आपने एक चुंटी को चित लेटे देखा। अपने पाँव को आसमान की तरफ उठा कर दुआ मांग रही थी कि ऐ परवरदिगार, हम कमज़ोर चुंटियाँ तीसरी हकीर मखलूक हैं और तेरे रिज़्क़ से मुस्तगना नहीं है। अपने बंदों के गुनाहों की वजह से हमें बारिश से महरूम न फरमा, या रब हमें सराब फरमा ताकि फिर हलाक कर दे। हज़रत सुलेमान ने जब ये चुंटी की आवाज़ सुनी तो लोगों से फरमाया कि वापस लौटो कि खुदावंद आलिम ने इस चुंटी की दुआ कबूल कर ली है, लिहाजा तुम इसकी वजह से सहराब हो गए। चुंटी अगरचे जिस्मानी लिहाज से इंतहाई हकीर मखलूक है, लेकिन खालिक के फितरत की तख्लीक का अजीम शाहकार भी है। चुंटी के बहाम जोड़े नहीं होते, इनमें अफजाइश का कोई तरीका भी नहीं होता, बल्कि चुंटी के जिस्म से एक मामूली सी चीज़ निकलती है जो बढ़ते बढ़ते अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे चुंटी की नस्ल बढ़ती है। चुंटी की एक किस्म को नमल अस्त कहते हैं। इस किस्म की चुंटी का सर शेर के मुशाबा और पिछला हिस्सा चुंटी के मुशाबा होता है। इसके जिस्म में चार जबड़े, अंतरियां और दुम भी होती है। दुम में एक छोटा सा डंग होता है और इसके पास जहर की थैली होती है और पहलुओं में दोनों तरफ सांस लेने के लिए दो सुराख होते हैं। चुंटी के सूंघने की कुव्वत बहुत तेज होती है। चुंटी की हलाकत के असबाब में से एक सबब इसके परों का निकल आना है। जब चुंटी इस हालत में पहुंच जाती है तो परिंदों की जिंदगी में खुशहाली आ जाती है, क्योंकि वो उड़ती हुई चुंटियों का शिकार कर लेते हैं। अगर कोई चुंटी जख्मी हो जाए तो दूसरी चुंटी किसी कमियाई अमल से अपने थूक को धागे की शक्ल में बदल लेती है और इसके जख्म को सी देती है। चुंटी की अजीबोगरीब खसूसियत ये भी है कि ये जमीन के अंदर अपने रहने की जगह बनाती है, जिसमें घर और इनके कमरे और दहलीजें होती हैं। ऐसे लटके हुए खाने भी होते हैं जिनमें चुंटियां सर्दी के मौसम के लिए दाने और दीगर चीजें जमा करती हैं। चुंटी के छह पांव होते हैं जिनके जरिए जमीन खोद कर अपना घर यानी कि बिल तैयार करती है। बस जब चुंटी अपना बिल बनाती है तो इसे टेढ़े करके बनाती है ताकि बारिश का पानी वहाँ तक ना पहुँच सके। और बाजुकत अपना घर दो मंजिला यानी एक घर के ऊपर एक घर बनाती है। दो मंजिला घर बनाने के लिए एक सबब यह भी है कि चुंटी की खुराक का जखीरा नम ना हो जाए। चुंटी अपने बिलों में कहीं कमरे बनाती है और आराम करने के लिए कमरे अलहदा भी करती है। मुलाकात व मशवरे के लिए अलहदा हाल भी होते हैं। इसकी आंख दरअसल 200 आंखों का मजमुआ होती है। चुंटी की किस्म नमल कहते हैं। इस किस्म की चुंटी का सर शेर के मुशाबा और पिछला हिस्सा चुंटी के मुशाबा होता है। चुंटी रिस्क के तलब में बड़ी तदबीरें भी करती है। बस जब वो किसी चीज को पा लेती है तो दूसरी चुंटी को बुला लेती है ताकि वह सब मिलकर खुराक खाएं और उठाएं। कहा जाता है कि जब जो चुंटी ये काम सर अंजाम देती है वो तमाम चुंटियों की सरदार होती है। इसकी सरदार की ये खसूसियत ये होती है कि मौसम सरमा की खुराक मौसम गर्मा में जमा कर लेती है। रिस्क जमा करने में ये चुंटी अजीब अजीब तदबीरें भी करती है। जब ये चुंटी कोई ऐसी चीज जमा करती है जिसके मुतल्लिक इसे खतरा हो तो वो चीज़ उग आएगी तो चुंटी इसके दो टुकड़े कर देती है। लेकिन अगर धनिया वगैरह के चार टुकड़े कर देती है, क्योंकि चुंटी को धनिया के मुतालिक मालूम होता है कि इसके दोनों हिस्से उगाते हैं। चुंटी जब दाने में बदबू और सड़ंग महसूस करती है तो इसे अपने बिल से बाहर निकाल कर जमीन की सतह पर लाती है और दाने को जमीन में बिखेर देती है। चुंटी अक्सर ये अमल चांद की रोशनी में सर अंजाम देती है। कहा जाता है कि चुंटी की जिंदगी की बका का इंतजार खाने पर नहीं होता, क्योंकि चुंटी के जिस्म में ऐसा पेट मैदा वगैरह नहीं होता जिसमें खाना जाए, बल्कि इसके जिस्म में दो हिस्से होते हैं और वह दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग होते हैं। चुंटी जब दाना काटती है तो इससे एक किस्म की बू निकलती है। चुंटी इस बू को सूंघ कर कुत हासिल कर लेती है। यही कुत इसके लिए काफी होती है। हैवानात में कोई हैवान ऐसा नहीं है जो अपने जिस्म पर अपनी ताकत से दुगना बोझ उठा सके, लेकिन चुंटी बार बार एक ही चीज को उठाकर लेके जा सकती है। लेकिन चुंटी एक ऐसा जानवर है जो कहीं गुना बोझ उठाने पर राजी हो जाती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा खजूर की गुठली भी उठा लेती है, हालांकि इस खजूर की गुठली से कोई नफा भी नहीं पहुँचता।
होता। चुंटी की हर्ष इसे बात पर यानी खजूर की गुठली को उठाने पर मजबूर करती है। अगर चुंटी जिंदा रह जाए तो ये कई सालों की खुराक जहरा कर लेगी, लेकिन इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक होती है। गुस्से की हालत में चुंटी के दुम का हिस्सा बड़ा हो जाता है, बाकी जिस मामूल के मुताबिक रहता है। चुंटी एक रिंगने वाले जानवर है, इसकी जिसामत ना होने के बराबर है, मगर कुदरत ने इसे हर वस्फ से बहरावर कर रखा है। आंखें, दिल, दिमाग, कुवत, समात और पैर गर्ज ये कि वो बकायदा इकुली की हैसियत रखती है, मगर इसकी एक हिस हैरत अंगेज भी है। वो बारिश से घंटों पहले बारिश होने के इम्कान को खबर रखती है और बारिश बरसने से पहले पहले अपने बिल में जा घुसती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म के जानवरों को मारने से मना फरमाया है। उनमें चुंटी, शहद की मक्खी, हुदहुद परिंदा भी शामिल है, सुरदी चिड़िया नुमा बाज भी। वैसे तो हम मुसलमानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही काफी है और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ही काफी है, लेकिन आइए इस जानदार की साइंसी खसूसियात के बारे में भी कुछ जानते हैं। चुंटी के काटने के फायदे, हम में से अक्सर चुंटी के काटते ही इसको मसल कर मार देते हैं और यहाँ वो गलती करते हैं। पहले तो चुंटी को मारना हराम है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो एक जानदार है, लेकिन हमें इसके काटने पर इसके दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो आपको सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर कर देंगे। क्योंकि चुंटी जब काटती है तो खून की गर्दिश को मुतहरिक करती है और खून के सुर्ख खलियात की तादाद में इजाफा करती है, जिसका असर बराह रास्त जिस्म की सरगर्मी और तवानाई पर होता है। जब इंसानी जिस्म को एक ही जगह पर एक से ज्यादा बार तकलीफ दी जाए तो जिल्द सिरोसिस का शिकार हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया के खिलाफ मजामत पैदा होगी और जिल्द ज्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगी। लोगों के जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चुंटों के काटने से खून जम जाता है, जो शरियानों को जहर के खिलाफ मजामत करने की सलाहियत फराहम करता है। इस तरह ये जिगर की मदद करते हुए इस पर बोझ कम करने का बायस बनता है। चुंटी का काटना डाइटिंग की बेहतरीन शक्ल है। जब मादा चुंटी काटती है तो एक आयोनिक लब की मिकदार खारिज करती है और अजीब बात यह कि ये लब इस जगह पर मौजूद तमाम चर्बी को जला देता है। तो नाज़रीन, आपकी तरह मुझे भी इसका अंदाजा नहीं था, चुंटी एक फायदा मंद भी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मुतासर अजू बाजू या थूक आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजू में फैल जाएगा और इस तरह ये 99% चर्बी को जला देगा जो बाजू में पाई जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए चैनल 51। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।